क्या मेरी बाइक की डिलीवरी की बात कर दी? चलो ठीक, फाइनली रिवील करने का टाइम आ रहा है। तो बाइक है मेरी, मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी। हे हेलो गाइस, कैसी है अपनी पब्लिक? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस, वीडियो पे जो पहला कमेंट किया वो किया I_M_MHK ने, और जो दूसरा कमेंट किया वो किया Syed_Anzar_01 ने, और जो तीसरा कमेंट किया वो किया अबू बकर ने। तो गाइस थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। तो इस टाइम ऑलमोस्ट बज रहे हैं 10:45, तो इस टाइम ऑलमोस्ट बिता रहे हम क्या है ना, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, मतलब बाइक नई बाइक की डिलीवरी है, मतलब खुशी देख रहे हो, नई बाइक की डिलीवरी आज, तो आपको वही मतलब आगे देखने को मिलेगा। तो गाइस हम मिलते हैं आगे, निकलते हैं। फिलहाल बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट करके रखी है क्योंकि सुबह सुबह निकाल रहा हूँ, बाकी दिनों ना चलता है क्योंकि धूप वगैरह निकली होती है 2-3 बजे तक, तो निकल जाते हैं आराम से, लेकिन स्टार्ट करके रखनी पड़ेगी इस टाइम क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बस निकलते हैं यहाँ से, आज मेरे को चेन फिट लग रही है, निकलते हैं यहाँ से, आपको मिलता है। तब तक के लिए गाइस पीस आउट, बाय बाय। तो गाइस यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ इस टाइम 90 फीट रोड के एंड पे। तो यहाँ से मेरे को जाना है पहले क्या है बोलते हैं इसको, ईदगाह रोड ऑलमोस्ट, हाँ ईदगाह रोड पे जाना है। तो चलते हैं यहाँ से, कह रहा हूँ गई बाइक की डिलीवरी है गाइस, एकदम ऑसम, आज अलग ही फील हो रहा है, समझ रहे हो। चलो आपको देखने को भी मिलेगी कौन सी बाइक है और किसकी बाइक है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे कोच से हम निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ से ना ट्रैफिक जैम होता है इस टाइम, इसलिए यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ से हमें एक गली ऊपर चढ़, मतलब जैसे हम यहाँ से निकलेंगे ना, उसके बाद हमें एक गली ऊपर चढ़ना है ऊपर वाले साइड से, तो उसके बाद हम पहुँच जाएंगे ईदगाह रोड पे। मतलब स्टार्टिंग में ही मेरे को जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, स्टार्टिंग में ही जाना है। तो गाइस इस छोटी वाली गली से हमें निकलना है, तो ऑलमोस्ट उसके बाद में पहुँचने वाला हूँ। वैसे भी तो मैं तो गाइस ऑफ रोड देख रहे हो, यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये देखो भाई साहब, यहाँ से पूरी रोड खराब है, लेकिन क्या करें, ऊपर से मैंने नया पेंट डाला है, अगर खराब हो गया ना मार डालेंगे घर पे। ओ भाई साहब, यहाँ से पुलिस वाले मेरे को देख रहे, गाइस क्या है ना यहाँ पे करना है मुझे वेट फैसल भाई का करते हैं वेट, और देखते हैं फैसल भाई कब आएगा, फिर आपको मिलते हैं के लिए। फैसल भाई इसने इतना वेट करा है ना सच में, मतलब क्या बोलूँ, मतलब सर जैसे इतना ज़्यादा वेट करा है, लेकिन पहले आ गए और आज का दिन होने वाला है। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट ये है कि आज रमजान है, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत इशू नहीं कर। ये देखो जैद भी आ गया यहाँ से, हेलो हाउ आर यू गाइस। तो बस अब हमें एक्चुअली क्या गाड़ी का वेट करना है, और हम आपको आपको डायरेक्ट वहीं पे मिलेंगे, डायरेक्ट अब शोरूम पे ही मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सस्पेंस रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है फैसल भाई की बाइक की डिलीवरी है, मेरी बाइक की डिलीवरी है, जैद की बाइक की डिलीवरी है, किसी ना किसी एक की बाइक की डिलीवरी, हाँ, और वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा कौन सी बाइक है कौन सी नहीं। तो मिलते हैं आगे गाइस, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। गाइस फाइनली वी आर द KTM शोरूम, और पता ही चल रहा होगा कि KTM की बाइक ही लानी है। अब ये नहीं पता है फैसल भाई को लानी है, यहाँ पे हमारे साथ गाजी भाई भी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अनब खान हमारे साथ है। गाजी भाई और फैसल भाई कहाँ गए? वो अंदर फैसल भाई है, क्योंकि हो सकता है मेरी बाइक की डिलीवरी की बात कर रहा होगा, जैद की बाइक या अनब भाई की भी बाइक हो सकती है। तो बस गाइस करते हैं वेट, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। क्या मेरी बाइक की डिलीवरी की बात कर दी? चलो ठीक है ठीक है। तो बस अब गाइस हम बाइक देखेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे, तब तक के लिए। तो गाइस जब तक फैसल भाई अंदर है, कुछ पेपर वगैरह का काम कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा छोटा मोटा रिव्यू दे देते हैं। ये जो है ड्यूक 250 है, बेस 6, मतलब सच में एकदम ज़बरदस्त बाइक है, देखो
मतलब ये 390 वाला जो 390 BS6 वाली है वैसी मतलब लुक देती है एकदम पूरी। और जो ये वाली है ये भी 250 है, ये है ऑरेंज सिल्वर और ऑरेंज और सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर, ऑरेंज और ब्लैक कलर की, यह है सिल्वर और ब्लैक कलर की, ऐसा ही कुछ है। देखो थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, यहाँ पे ऑरेंज करके वहाँ पे थोड़ा सिल्वर कलर का है, और जो ये है इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ तो और ये है नई वाली BS6 RC 200, और यहाँ से BS4 वगैरह है और क्या ये इसका पता वगैरह नहीं है। और तो ये गाइस है यहाँ पे RC 125, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नई वाली RC 125 है एकदम ज़बरदस्त, नहीं फैसल भाई की। तो गाइस फैसल भाई की बाइक आ रही है RC 200 BS6 मॉडल, ओके तो ये देख सकते हो, थोड़ा सा झलक दिखाते हैं आपको, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय। फाइनली रिवील करने का टाइम आ रहा है, तो बाइक है मेरी, जब चाबी मैं पालू ना क्लैप सब उसी से चालू हो रहा है, बीच में रहो ना, सॉरी 3, 2, 1 स्टार्ट। अब हमारी ड्रीम बाइक जो हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे लेने की, और आज फाइनली कर रहा हूँ, नहीं ली और अनाउंस कर इसको राइड भी दे, जबरदस्त गाइस RC 200 बाइक लिया फैसल भाई ने, देख रहे हो, चलो बढ़िया है। गाइस फाइनली हेयर फैसल भाई ने निकाल दी बाइक, एकदम ऑसम। गाइस फाइनली मेरे को डिक्की में बिठा दिया, और ये देखो सारे भाई लोग अपने साथ, चल दबाए गाइस, सो गाइस हमारी वजह से जैम हो गया, ओह क्या ऑसम भाई बात है, यहां से डिक्की मेरे सर पे ना गिर जाए, हाय 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 हाय, बाकी NS160 में क्या जहर एग्जॉस्ट लगा है सच में। रिएक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल है, मेरे को डिक्की बंद करनी पड़ी और मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, देखो वाह, बाकी गाइस एकदम ऑसम। हरकतें देख रहे हो बंदे की,
तो गाइज एज यूजुअली व्लॉग को एंड वहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे वगैरह वो ये, फिर घर पहुँचे तो फिर मतलब सुबह दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइज करता हूँ मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय।